अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ, कुमुद दीदी अपना उसी बिटिया को बचाने के खातिर अपना पति से भिड़ गई। अब आप जरा हमको ये बताएंगी कि सुनैना का ऐसा कौन सा राज है जिसका कारण आप दोनों पति पत्नी के बीच में ही महासंग्राम चल रहा है? भाई साहब, जब से हम सुनैना को देखे हैं ना, तभी से हमको शक है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सुनैना अब सगुनी है, बल्कि वहां से तो कुछ और है जो आप हमको नहीं बताए हैं। वो कहा है ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ आपका मुंह रखने के खातिर चुप रहे हैं, लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। हम चुप नहीं रह सकते। कुका है कि बात हमरे दामाद की है, क्योंकि अब वो लपेटा में आ चुके हैं। इसलिए ना आज हम सब जान कर ही रहेंगे। आप दोनों को जो कुछ करना है ना, आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले हमको हमरे सवाल का जवाब दीजिए। बताइए हमको कि ऐसा कौन सा राज है सुनैना का, जिसके वजह से आप भाई साहब सखून का प्यासा बने हुए हैं। बस श्रमोला, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम भैया पे उंगली उठाओगी, उनसे सवाल करोगी? पापा, आज मम्मी को बोलने दीजिए आप। काहे कि ये सवाल सिर्फ मम्मी का नहीं, हम सब का है। तुम सब पागल हो गई हो का? हाँ, हम पगला गए। अगर हमरे इस पागलपन की वजह से हमको सच का पता चलता है ना, तो यही सही। कुम्मू दीदी, भाई साहब हमको बता रहे हैं, अगर आज आपने हमको सच नहीं ना बताया, तो हम ना ही घर का दहलीज को उस पार रहेंगे। बताइए हमको कि ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से आप भाई साहब, आप सुनैना का जानी दुश्मन बने हुए, और आप दीदी, आप उसका रक्षक बनी हुए, ऐसा कौन सा सच है? बताइए हमको। नमन जी, आप ऊपर बिस्तर पर सो जाइए, हम नीचे बिछा नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ये हमें दो। अमन जी, हमारी बात तो हमें दो। अब चुपचाप इधर आके सो, चलो। तुम भी चुपचाप आराम से सो, और हमको भी चैन से सोने दो। और वैसे भी बहुत टाइम से हम जमीन पे नहीं सोए हैं, हम भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ फील करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे काले शैतान से भी ज्यादा भयंकर कॉकरोच? कॉकरोच? क्या कर रहे हो? काट लेगा तुम्हें। नमन जी, कॉकरोच काटते नहीं है, सिर्फ बीमारी फैलाते हैं। आपको इतना भी नहीं पता, इसे सुनैना इसको बाहर छोड़कर आती है। गया? हाँ, चला गया। थैंक गॉड, तुमने हमारी जान बचा ली, वरना हम तो डरी गए थे। अरे, मेरा मतलब ये था कि मैं डर गया था ये सोच के, अगर वो मेरा हाथों मर गया तो मैं इतना बड़ा इंसान, इतना छोटा सा कॉकरोच, अच्छा नहीं लगता। डरता वरता नहीं हूं मैं। नमन जी, एक बात बताइए, आप काले शैतान और उसके लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं डरे, फिर एक छोटी से कॉकरोच से इतना डर गए, क्यों? शायद इसलिए कि जब मैं काले शैतान और उसके लोगों से लड़ रहा था, तो मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मैं बस एक बात जानता था, किसी भी हाल में मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना है। एक और बात पूछे?
हाँ पूछो। आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों है? यही मौका है नमन, बोली दे, बोल दे के I like you, क्या पता she likes you too। सुनहरा, क्योंकि अब हम बताते, आप हमारी बहन के होने वाले पति हो, और अगर हमको कुछ भी हो गया तो पंकजा और घर वाले आपसे गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए ना। करेक्ट, चलो सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट अमन जी। ये लो, नेटवर्क भी आ गया। सच जानना चाहती हो ना रामुला? हाँ, 100% सच। बताइए हमको सच कहाँ है? का अदालत लगा के बैठी हो यहाँ पे रामुला? हमसे सवाल जवाब होगा ये घर में? ये मुद्दे पर आप कौनो सवाल जवाब नहीं होगा। ये कितनी बार समझाएं, 1000 बार समझाएं कि नहीं समझाएं? हमको माफ कर दीजिए भाई साहब, लेकिन आज अगर आप हमने सवाल का जवाब नहीं ना दिए तो ये हम सब के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी। हम मान लेंगे कि आप हमको अपना नहीं बल्कि पराया समझते हैं। कुमु दीदी, बता दीजिए कि सच का है? अब चुप काहे खड़ी है? तो चुप रहेंगे भी नहीं अब। अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सच बोलने का वक्त आ गया है। कुमुद, प्रणाम बाबू साहेब। हाँ राजकुमारी जी। कब? आवाज से घबराए हुए लग रहे हैं। अब घबराने की कोनो जरूरत ना है। कैसे कि हमरे बउआ का फोन आया था, वो कह रहा था कि आपकी बिटिया सुनैना और वो एकदम ठीक ठाक है। हेलो बाबू साहब, बहुत संकट में थी आपकी बिटिया, लेकिन हमरे बउआ ने को बचा लिया, कल सुबह लेकर आ रहा है। हम लोकेशन पूछे लेकिन अचानक से नेटवर्क ही गायब हो गया। हम सोचे कि आपको खुशखबरी दे देते हैं, कैसे कि आपकी जान भी तो अपनी बिटिया में अटकी होगी ना। है बाबू साहब? मतलब महारानी दोबारा फेल हो गई। हेलो, यहाँ का नेटवर्क भी गायब हो गया। हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने फोन करके बताया। धन्यवाद जी। ठीक है परवेज जी, कोई बात नहीं है। अच्छा हम फोन रखते हैं। नमस्ते। बाबू साहब को सांप का है सूंघ गया। अब बेटी सही सलामत मिल गई, ये खुशखबरी सुनकर खुश होने के बजाय साइलेंट यहाँ कहे गए। देवी माँ, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटिया मिल गई। कुमुद, ये देवी माँ का शुक्रिया अदा कर रही हो,
तो उसे माफी भी मांग लो। काहे कि अपने पति पे जॉन शक की और ये सब जॉन ही बक रहे हैं यहाँ पे। तुम हमको बहुत अच्छे से जानती हो कमल, बहुत अच्छे से जानती हो। अगर हम उनको मानना चाहते तो लड़का या कौन और हमसे बचा नहीं सकता था। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।